हेलो एवरीवन, आइए आगे बात करते हैं जी जी प्लॉट 2 पैकेज के बारे में। हम काम कर रहे हैं एमपीजी फाइल के ऊपर। इसमें कुछ ऑटोमोबाइल्स का डाटा है और इसके बारे में जानने के लिए हम क्वेश्चन मार्क एमपीजी कर सकते हैं। अटैच मैंने कर दिया है और अब हम इसकी देखते हैं एस्थेटिक्स के कुछ फिगर। एस्थेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक पॉइंट है, एक लेयर है, जिसमें हम न केवल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करते हैं और भी बहुत सारा तीसरा चौथा पाँचवा वेरिएबल डाल सकते हैं। तो इसके फीचर देख लेते हैं। तो मैं अभी ये कर रहा हूँ कि जीजी प्लॉट एमपीजी और जियोम पॉइंट। अच्छा, ये देखिए एक्सिस जियोम पॉइंट के अंदर भी डाल सकते हैं। अगर हम ऐसे करें तो ये भी काम करेगा हमारा, ये जी के अंदर चला गया, जी लिख के टाइप करें, ऐसे भी काम करेगा। और एक ज़्यादा कॉमन तरीका है कि हम इसको एमपीजी के बाद कॉमा करके सेकेंड आर्ग्यूमेंट यहाँ डालते हैं। दोनों ही ठीक है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, ये मेरा बेसिक फर्स्ट लेयर प्रिपेयर हो चुकी है। मैंने बताया कि एक एमपीजी है मेरी फाइल है, उसमें एक्स एक्सिस पे ये है, वाई एक्सिस पे ये है और जियोम पॉइंट करें। देखिए अभी तक लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ये एईएस हमारा यहां डलता है, ऐसे डलता है, तो ये भी वही बात है। और अगर आप ऐसे करें ये भी वही बात है। अब मैं कर रहा हूं एईएस कलर इज इक्वल टू क्लास। ये देखिए मैंने पिछले वीडियो में बताने की कोशिश की थी, अगर मैं बोलूं कलर इज इक्वल टू 2 तो सारा ये वाला कलर हो जाएगा। अगर मैं कलर इज इक्वल टू 3 या 4 ऐसे करता हूं, और आई होप इसको हम COL भी लिख सकते हैं, देख लें एक बारी, ऐसा हो जाएगा। अब मैं ये बोलता हूं नहीं, कलर इज इक्वल टू क्लास। इसका क्या मतलब है क्लास का? तो मेरी एमपीजी के अंदर देखिए यहां कुछ एसयूवी है, कुछ डाटा पिकअप का है, कुछ डाटा मिड साइज का है, टू व्हीलर्स का है। तो मैं जीजी प्लॉट को कह रहा हूं कि कलर उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर दें, और ये प्रॉपर्टी है एस्थेटिक्स की। लेट्स सी। तो अब आप देखिए टू सीटर का अलग आ गया है, रेड कलर वाले टू सीटर ये रहे 5-6, मिड साइज ग्रीन कलर के हैं, मिनी वैन पिकअप एसयूवी ये पिंक कलर में है। ओके, अलग अलग आ गए। इसी तरह से अगर मैं कहूं साइज इज इक्वल टू क्लास, तो यहां ये ब्यूटी है कि जी फर्स्ट लेयर प्रिपेयर है, उसी में मैं एडिशनल लेयर इसके ऊपर सुपर इम्पोज करता जा रहा हूं। साइज का क्या मतलब होगा? जो बड़े बड़े साइज की, यानी अगर आप इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इनका ऐसे ऐसे साइज बढ़ता जाएगा। चेक कर लीजिए, तो जितना एसयूवी है इसका उतना बड़ा साइज है, जितना टू सीटर है उतना छोटा साइज है, ये टू सीटर है, साइज बढ़ता जाएगा। अभी तक ये सारा शेप सर्कल ही है, और अगर मैं बोलूं शेप इज इक्वल टू दिस, तो क्या होगा कि कोई ट्रायंगल है, कोई स्टार है, बोल्ड स्टार है, रेक्टेंगल है, अलग अलग ये इस तरह से आ गए एक से। अच्छा, ये वार्निंग वगैरह होती है, ज्यादातर वार्निंग बोलती है कि स्पेस कम है वगैरह, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। साइज और कलर दोनों यूज करें तो ये साइज है और कलर भी। देखिए इसका ये रेड कलर का डॉट है, बहुत छोटा है, एसयूवी साइज भी बड़ा है और कलर कॉम्बिनेशन भी डिफरेंट है। और एक इसमें होता है अल्फा। अच्छा, अल्फा आपको कुछ दिख रहा है क्या? कुछ बहुत ही हल्के से कलर हैं, कुछ बड़े कलर हैं। अल्फा एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी का काम करता है, ये बेटर समझ आएगा एक बार हम यहां देख लेते हैं। मैं सिंगल वेरिएबल पे काम करता हूं और एक प्लॉट बनाता हूं, डेंसिटी प्लॉट, ठीक है? ये सिंगल वेरिएबल पे काम करता है। एक्स इज इक्वल टू दिस, फिल एस डॉट फैक्टर, सिलेंडर से मैंने किया है, फिल एस डॉट फैक्टर मैंने इसलिए कर दिया कि ये 1 2 3 ऐसे अलग अलग ले ले, 4 सिलेंडर 6 सिलेंडर। आई होप अगर मैं एस डॉट फैक्टर नहीं लिखता, मैं चेक कर लेता हूँ एक बारी, तो भी ये काम करना चाहिए। ओके, नहीं आया, एस डॉट फैक्टर ही लेके चलते हैं इसको जैसे पहले था। ओके, तो हमारे अलग अलग आ गए, राइट, एस डॉट फैक्टर में। अब हो क्या रहा है कि ये जो ग्रीन कलर है ये आगे कहाँ गया पता नहीं, इनके पीछे छुप गया, रेड वाला कहाँ तक है पता नहीं। तो यहाँ हम अल्फा यूज कर सकते हैं, एस्थेटिक्स में भी कर सकते हैं, इसमें भी यूज कर सकते हैं, जियोडेंसिटी के अंदर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अल्फा यहां लिखना है या यहां लिखना है। अगर आप इसके बाद लिखते हैं एस्थेटिक्स में, वो भी काम करेगा, और अगर आप ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के अंदर लिखते हैं तो भी काम करता है। ये शुरू शुरू में काफी कंफ्यूज करता है कि लिखना कहाँ है, कहीं भी लिखिए। तो होगा क्या, अगर मैं अल्फा 0.5 करता हूं तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब आप पीछे का भी देख पा रहे हैं कौन सा चार्ट कहां तक जा रहा है, बहुत अच्छा आइडिया हमें उस चीज का लग रहा है। यहाँ पे 4 का 5 का थोड़ा थोड़ा सा हल्का हो गया, ये फेंट हो गया है, दैट इज अल्फा। तो ये एस्थेटिक्स है, और एस्थेटिक्स हम तीसरा चौथा वेरिएबल ऐड करने के लिए, पांचवा वेरिएबल ऐड करने के लिए, अभी तक तो मैंने सब पे क्लास ही किया है, तो हम ये भी कर सकते हैं साइज इज इक्वल टू क्लास और कलर किसी और से कर दें। देखें यहाँ पे कलर, अगर मैं करके देखूं
एफ एल सी वाई एल से करके देखें, कलर इज इक्वल टू सी वाई एल। सो यहाँ पे सिलेंडर का अलग अलग आ गया है और ये अलग आ गया है। अच्छा, यहाँ पर एक ही कलर आ गया, राइट, क्योंकि ये मान रहा है ये आपका जो डाटा है सिलेंड्रिकल। देखिए एक पॉइंट क्या हो रहा है, सी वाई एल अगर आप आर से पूछेंगे ये कैसा है 468, आर को तो यही समझ आएगा कि ये आपका न्यूमेरिक डाटा है, राइट। क्योंकि अगर आप यहाँ देखें, अगर मैं इससे पूछूं समरी सी वाई एल का क्या देगा ये, अगर ये आपको मिनिमम मैक्सिमम मीन मीडियन दे रहा है तो आर कंसिडर कर रहा है सिलेंडर को एज न्यूमेरिक डाटा। पर हमें पता है ये न्यूमेरिक नहीं है, इसमें चार ही वैल्यू हैं, तो हमें यहां देना पड़ेगा एज डॉट फैक्टर। एज डॉट फैक्टर का मतलब होता है कि ये कोड है, ये नंबर नहीं है, ये कोड है, राइट। इसी तरह से मैंने यहां पे दिया सी वाई एल, तो इसने कहा कि अच्छा 4 से 8 तक ये कलर शेड्स अलग अलग कर दिए इसने। लेकिन ज्यादा बेहतर है अगर आपको अगर अलग कलर चाहिए तो हमें करना पड़ेगा एज डॉट दिस। इससे आई होप सारे कलर ही अलग अलग आ जाएंगे। 4 वाला कलर ये है, 5 वाला कलर ग्रीन है, 6 वाला कलर ब्लू है, 8 वाला कलर ये है। तो ये अलग अलग कलर आ गए आपके एज डॉट फैक्टर करने से। तो अभी तक मैंने कितनी इंफॉर्मेशन डाल दी है इस चार्ट में, एक डिस्प्ले है, एक हाईवे माइलेज है, दो, तीसरा सिलेंडर के अलग अलग कलर हैं, फिर जो साइज है उसके अनुसार भी फर्क है, ये टू व्हीलर का है, ये कॉम्पैक्ट का है, एसयूवी का इतना बड़ा है। मैंने एक ही चार्ट के ऊपर चार तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी है, इसीलिए जीजी प्लॉट इतना प्रेफर्ड किया जाता है। आप इसमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन ऑन द सेम चार्ट कर सकते हैं और ये होता है बाय द कंसेप्ट ऑफ लेयर। अब इसके ऊपर और भी लेयर मैं ऐड कर सकता हूँ, जो कि अगले वीडियो में हम देखते हैं। लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।